प्रिय भक्तों, प्रेम से बोलिए जय माता दी। जय माता दी। जय हो माता कात्यायनी की। भक्तों, नवरात्रि में छठवें दिवस को माता दुर्गा के कात्यायनी रूप की पूजा अर्चना की जाती है। माता के मंगल गान कर, माता की स्तुति कर, उनसे मनवांछित फल पाने की कामना की जाती है। प्रेमी जनों, हम आज माता के छठवें अवतार का वर्णन कर, उनकी अद्भुत महिमा का गुणगान कर, माता की कृपा के पात्र बनकर अपना जीवन माँ के चरणों में अर्पण करेंगे। तो आइए माता की संगीत में कथा का रसपान करते हैं। प्रेम से बोलिए जय माता दी। हम आज तुम्हें माँ कात्यायनी अवतार बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छठवें दिन माता का हम सब ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम आज तुम्हें माँ कात्यायनी अवतार बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छठवें दिन माता का हम सब ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करो मैया का गुणगान, माँ करती है कल्याण। करो मैया का गुणगान, माँ करती है कल्याण। गौरी नंदन करूं मैं वंदन, हाथ जोड़ प्रथमेश। हर लो सारे विघ्न हमारे, मंगल करो हमेश। नवरात्रि के छठवें दिवस को माँ दुर्गा अवतार, कात्यायन के रूप में माता करती है उद्धार। माँ का व्रत करने से हर मुश्किल होती आसान, अर्थ धर्म और काम मोक्ष दे करती माँ कल्याण। रोग शोक संताप और माँ भय हर लेती है, सूने घर आंगन में माँ खुशियाँ भर देती है। सर्व सुखों की दात्री माँ को सब बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छठवें दिन माता का हम सब ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करो मैया का गुणगान, माँ करती है कल्याण। करो मैया का गुणगान, माँ करती है कल्याण। चार भुजाधारी माता के सिंह सवारी है, अस्त्र शस्त्र को धारे माँ वर मुद्रा धारी है। हाथ कमल का पुष्प मात के भक्तों राज रहा, लाल चुनरिया माथे बिंदी कुमकुम साज रहा। बड़ा मनोरम रूप है माँ का जो मन को हरता, दर्शन माँ का भक्तों जीवन में मंगल करता। छठवें दिवस को कर स्नान करते माँ का ध्यान, पीले वस्त्र पहन के भक्तों जपते माँ का नाम। गंगा जल से माँ की मूर्ति को नहलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छठवें दिन माता का हम सब ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करो मैया का गुणगान, माँ करती है कल्याण। करो मैया का गुणगान, माँ करती है कल्याण।
को फिर पीले वस्त्र भक्त पहनाते हैं, पीले पुष्प फल आदि माता को चढ़ाते हैं, रोली कुमकुम हल्दी टीका माँ को लगाते हैं, फल मिष्ठान शहद से माँ को भोग लगाते हैं, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाकर मंगल गान करे, आरती करके चालीसा पढ़ माँ गुणगान करे, क्षमा याचना करके माँ से स्तुति करते हैं, मन वांछित फल पाने के लिए कामना करते हैं। क्या है जन्म की गाथा माँ की वो बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छठवें दिन माता का हम सब ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में एक ऋषि कात्यायन रहते थे, माँ के वो तो उपासक ठहरे भक्ति करते थे, किंतु उनके घर में ना जन्मी थी कोई संतान, जिस कारण से पति पत्नी रहते हैं नित परेशान। एक दिन से फिर माँ की तपस्या शुरू करी भारी, तप से हो प्रसन्न माँ प्रकटी जग तारण हारी, ऋषि कात्यायन से माँ बोली क्या चाहते वरदान, बोले ऋषि पुत्री बन जाओ ना घर में संतान, फिर तो ऋषि वर मन वांछित वर को पा जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छठवें दिन माता का हम सब ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पुत्री रूप में कात्यायन घर माने जन्म लिया, पिता कात्यायन के कारण कात्यायन नाम दिया, मंगल गान हुए अंबर से हुई सुमन बरसा, जन्मी माता कात्यायन भूमंडल ये हर्षा, फिर माता कात्यायन ने भक्तों का किया उद्धार, रूप बदल कर कई दुष्टों का मान किया संहार, चंड मुंड भी आदि भवानी ने संघारे हैं, रक्त बीज भी माता रानी ने ही मारे हैं, महिषासुर मर्दनी मात को वेद बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। छठवें दिन माता का हम सब ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। वैद्यनाथ स्थान पे माता प्रकटी हुआ पूजन, सुखदात्री माता का भक्तों तब से हुआ वंदन, द्वापर काल में गोपियों ने माता को ध्याया है, माँ की दया से गोपियों ने कृष्णा को पाया है, ब्रजमंडल में कात्यायनी माँ पूजी जाती है, दिव्य
है रूप अत्यंत मनोरम जग ख्याति पाती है। छठवें दिन माता का वंदन जो भी करता है मन वांछित फल पाकर वो तो झोली भरता है। मुनेन्द्र प्रेम जिसुमिर शारदा कलम चलाते हैं अमृत गा के सुनाते हैं। छठवें दिन माता का हम सब ध्यान लगाते हैं हम कथा सुनाते हैं। करो मैया